तो सो गाइस, कैसे हो सभी लोग? आ चुके हो न्यूज एपिसोड के साथ। तो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा आ चुका है एक और ब्रांड न्यू सा वीडियो, जो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है भाई। बहुत टाइम लग चुका है वीडियो को बनाने में मुझे। तो गाइस, आज के दिन में यहाँ पे थोड़ा जगह मैंने फ्लैट करी, देख सकते हो। तो गेस करो मैं क्या बना सकता, थंबनेल वगैरह आपको देख के पता चल गया। मैं बनाने वाला हूँ एक ब्रांड न्यू सा विलेज, जो काफ़ी ओपी विलेज हो सकता है। उसको हम आराम से नाम देंगे, ओपी विलेज करके ऐसा कुछ बोलेंगे उसको। अच्छा तो कोई नाम लिख देना विलेज का, अच्छा तो कोई नाम रख दूँगा। देख सकते हो नेक्स्ट एपिसोड में मैंने बनाया था एक आयरन फार्म, जो काफ़ी ओपी तरीके से वर्क करता है भाई। इसमें गोलम वगैरह आते ही रहते हैं, कुछ 10-20 सेकंड के अंदर आते रहते हैं गोलम। और यहाँ पर फटाफट से हम घर के अंदर चलते, थोड़ा सा फूड वगैरह ले लेते हैं। हमें फूड की बिल्कुल ही कमी भाई, एकदम कड़की चल रही फूड की। यहाँ पर देख लेता हूँ फूड वगैरह बहुत सारा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम बना लेते हैं फूड। तो गाइस, मैं बनाने वाला एक एकदम लेजेंडरी सा विलेज, जो काफ़ी अच्छे अच्छे हाउस बनाऊंगा उसके अंदर। और एक मैं बहुत ही बड़ा एक बाउंड्री खड़े करूंगा, जो मेरे ओनली फॉर आइलैंड के कवर अप होनी चाहिए एकदम, मतलब आइलैंड के आसपास में पूरा आएगा मेरे एक वॉल बड़ी सी, और उसके अंदर रहेगा मेरा विलेज जहाँ का मैं एक किंग होऊंगा, राजा। तो काफ़ी अच्छे से मैं अच्छा अच्छा घर ढूंढूंगा। और एक एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, देख सकते हो। सस्ता विलेज है, महंगा विलेज बनाएंगे ये साइड में, तो काफ़ी ओपी होने वाला है वाला विलेज। फटाफट से चल कर दिखाता हूँ मैंने क्या क्या तैयारी करी है। तो पहले काम करें, पहले एक्सीफाम दिखा देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क करता है एक्सीफाम में। तो बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा वॉइस ओवर में, तो टेंशन मत लेना, अब इसे ठीक हो जाऊँगा, नॉर्मल हो जाऊँगा। और यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा फर्नेस वगैरह रख दिया था कि कोबल स्टोन वगैरह पर मैं स्मेल्ट कर सकूँ, जैसे मैं स्टोन विक्स बना सकता हूँ आगे चल के। देख सकते हैं आप, इतना सारा स्टोन विक्स बना सकता हूँ मैं, बहुत सामान है अपने पास, कमी नहीं है। स्टोन या स्टोन आप स्मेल्ट कर करके रख दिया मैंने। तो ये साइड में हमारा बनने वाला एक ओपी सा विलेज, जहाँ पर मैंने काम स्टार्ट भी कर दिया है। और मैं बनाने वाला शुरुआत में पहले एपिसोड में बनाऊँगा एक ओपी सा कासल, जो काफ़ी अच्छा दिखेगा। बने का आपको पता चल जाएगा कैसा बनने वाला, अगर आपको बनाना तो आप भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें 7x7 ब्लॉक खोदने हैं इस साइड को, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसे तोड़ देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे 7x7 का करना है, एक बार गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 है, रुक जाओ 1 2 3 4 5 6 नहीं, एक और इधर तोड़ना पड़ेगा ब्लॉक यहाँ पे। हाँ, तो ऐसा कुछ बनने वाला है, और एकदम बनेगा आपको पता ही चल जाएगा कैसे बनने वाला है, जो काफ़ी ओपी लगेगा। कासल तो बहुत बढ़िया है, मैंने देखा था, तो सेम वैसा बनने के बाद आपको मिलता हूँ। एक काम करते हैं, फटाफट से चल के डे कर लेते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और नाइट भी बहुत ज़्यादा, ज़ॉम्बी वगैरह का आने का बहुत डर रहता है। तो चल के फटाफट से डे कर लेते हैं। अभी मैंने डे कर लिया है, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी है। बारिश तो भाई, बारिश के अलग ही नशे, बारिश से चलती जा रही थी। यहाँ पर फटाफट से मैं काम अपना जारी करता हूँ और बनाता हूँ फटाफट से मेरा एक ओपी सा कासल, जो काफ़ी अलग ही लुक देगा ये विलेज के अंदर। और मेरा फर्स्ट हाउस होगा, तो मतलब एक एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। यहाँ पे वुड वगैरह मैं एक साइड में लगा देता हूँ, पूरा फिल्ड कर देता हूँ, और ज़्यादा बड़ा ये कासल होगा नहीं, छोटा ही कासल होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे अंदर का थोड़ा डर्ट को सारी हटा देना, अंदर आने वाली बहुत ओपी सा वुड इंटीरियर अलग ही आना है भाई। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वुड निकाल लिया है, और वुड यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। मैं वुड बना लेते हैं, वुड प्लैंक्स बना लेते, सॉरी बहुत दिन के बाद मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, तो इतना कोई ध्यान नहीं देना। प्लैंक्स अच्छे होते ना, थोड़ा से यहाँ पे लाइटनिंग वगैरह हो रही भाई, एरोप्लेन वगैरह ना आ जाए। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरे कासल को, मिनी कासल से आप कह सकते हो। और आगे वाले एपिसोड में, एक एपिसोड में दो हाउस बनाऊंगा, और उसमें यहाँ पे विलेजर्स को सप्लाई करूंगा, मतलब यहीं पे लाऊंगा विलेजर्स को, और यहाँ पे आयरन गोलम वगैरह भी घूमते रहेंगे, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। भाई साहब बच गया भाई मैं, भाई क्रीपर कहाँ से एंट्री मार लिया, चल तेरी भैंस की टेंट, बोलते इससे मारने दो भाई, एक फटाना है मेरा पूरा जितना काम है और बढ़ा देगा ये। फटाफट से यहाँ पे पूरा प्लैंक्स वगैरह लगा लेते हैं, भाई ज़ॉम्बी आ रहे हैं, मकड़ी दोनों जाना, रुको तुम्हारी भैंस छंट खा लो थोड़ा सा तुम भी। अरे भाई भर दिया दोनों ने, ले भाई ले क्रेट ले लो, जाओ अभी
एक्सपीरियंस हूँ। रोडर से आपको मैं बनाने के बाद मिलता हूँ। वो साइड में आप देख सकते हो कितने सारे जॉम्बिस की पलटन भरी हुई है भाई। तो यहाँ पे मुझे 7x7 का ब्लॉक ऊपर को डिक करने हैं, तो मुझे चारों साइड ऐसे सेम करना होगा। 7x7 का आपको यहाँ पे ब्लॉक डिक करना होगा, तो देख सकते हो ऐसे कुछ आने वाला है। तो ये साइड में मैं सेम वही करने वाला हूँ जो मैंने वो साइड किया था भाई। जॉम्बी आ गया तो ये साथ हाइट भी पहुँच चुका। अरे भाई ये भाई बहुत बेकार यार, जूते मुझे चेंज करने पड़ेंगे यार। ये बार बार आइस में कन्वर्ट कर देता है वाटर को, तो MLG वगैरह मैं कर ही नहीं पाता भाई, सीधा गिर के मर जाता हूँ हमेशा मैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से MLG करता हूँ, फिर से वही हुआ मेरे साथ सेम सीच। मैं फटाफट से मैं कासल पे काम जारी करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने डेक कर लिया है, लेकिन यहाँ पे विलेजर क्या कर रहा है बाहर। तो एक काम करेंगे यार, इसी को उठा के ले जाएंगे विलेज के अंदर डाल देंगे बाद में। मैं फटाफट से चलते थोड़ा सा स्टोन बिक्स ले लेता, क्योंकि मुझे स्टोन बिक्स कम पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं स्टोन रखा है, स्टोन का यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पे स्टोन बिक्स में कन्वर्ट कर लूँगा मैं। आप मैं चार स्टैग ले लूँगा, काफ़ी देखा चार स्टैग अभी लेता हूँ, तो चार स्टैग स्टोन बिक्स भी हो जाएगा। फिर से हम स्टोन बिक्स को यहाँ पे बना लेते हैं चल के। और देख सकते हो दूर से कासल को ऐसा बन रहा है, धीरे धीरे लुक आ रही कासल की। बनने के बाद आपको फाइनल लुक तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ग्रास ब्लॉक नहीं बोलते इसको क्या बोलते थे यार, मैं भूल गया। थोड़ा सा ये तोड़ लेते हम, बहुत काम की चीज़ें हमारे कासल में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। इसको इंटीरियर में लगाऊंगा समझो मैं एक तरह के भाई। ये देख सकते हो क्या करूँ मैं जूतों का भाई, वाटर भर लो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, देख सकते हो मैंने फाइनल लुक आपको लास्ट में दिखाई है। यहाँ पे मुझे कासल में बहुत ज़्यादा काम करना है। वुड यहाँ पे क्राफ्टिंग वर्क को तोड़ लेता हूँ मैं, मेरा कासल कुछ ऐसा बनने वाला है। देख सकते हो क्या ही वाइब दे रहा है कासल। अभी तो इंटीरियर वगैरह अंदर की बाकी है, वैसे तो काफ़ी ओपी लग रहा है कासल अभी के लिए। तो ऐसे कुछ अलग अलग बिल्ड में बनाऊंगा जो विलेज को काफ़ी ओपी बनाएगा। इसके नाम में भाई ओपी है, ऐसा मुझे लगता है विलेज कैसा होगा एकदम ओपी विलेज। तो यहाँ पर मैं थोड़े से कारपेट लाने गया था रेड और वाइट कलर के, तो काफ़ी अच्छा लुक देंगे इंटीरियर में। एक तरीके से एक वॉर वाला कासल ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको, देख सकते हो बनने के बाद ऐसे कुछ फाइनल टच होएगी। तो देख सकते हो क्या ही कासल की लुक आ रही है। अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो गाइस हाँ, यही था मेरा आज का वीडियो जो बहुत दिन के बाद आ रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हम बनाएंगे ऐसे कुछ ओपी बिल्ड्स जो हमारे ओपी विलेज को जो ओपी करेगा। बहुत सारे ऐसे हाउस देखूंगा जो अच्छे लगे थे मैं बनाऊंगा उसे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।